कोई भी चमार उसकी डोल पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 5 जूते होंगे। हमारे खिलाफ इस प्रकार की आजादी के 70 साल के बाद वो मुनादी हो, जैसे कभी राजा महाराजाओं के जमाने में होती थी कि चमार जाति का व्यक्ति अगर कोई डोल पे आ जाएगा, समाधि पर आ जाएगा, ट्वेल पर आ जाएगा तो उसे 50 जूते मारे जाएंगे और 5,000 रुपए जुर्माना होगा, तो हम लोग बैठ कर तमाशा देखते रहेंगे। क्यों देखते रहेंगे भी तमाशा? नहीं, पहली बार नहीं हुआ, लेकिन आजादी के 70 साल के बाद में देश की राजधानी से मात्र चंद कदमों की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके की मुनादी हो रही है। इसे देश के अंदर जो मात्र 1% लोग हैं उनकी इतनी हिम्मत होगी कि देश के अंदर अगर मैं चमार जाति की बात करूं तो 14% चमार है, 14% चमार के खिलाफ एक आदमी इस तरीके की घोषणा करेगा? क्यों करेगा भाई? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, समता मित्र करुणा भाईचारे को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग इतने कायर हैं कि हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। हम वही लोग हैं जो 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव जिन लोगों ने किया था, हम वही लोग हैं कि जब सहारनपुर शब्बीरपुर कांड हुआ था तो एक जाति विशेष के लोगों ने एक अपनी ना अपनी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर स्कूटरों पर से राजपूत लिखना बंद कर दिया था। इस देश का पेशेंस अगर टिका है तो शेड्यूल कास्ट पर टिका है। जिस दिन इस देश का शेड्यूल कास्ट का पेशेंस टूट गया ना, उस दिन लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये 3%, 4% लोग, 15% सवर्ण समाज के लोग लोकतंत्र नहीं बचा सकते। ये जो ओबीसी समाज बैकबोन बना हुआ है ना हिंदू धर्म की और इसकी मनुवाद की, ये जिस दिन अपने आप को सही तरीके से समझ गया, जैसे यादव समझ रहा है और जातियां समझ रही, उस दिन ये अलपमत में हो जाएंगे कि औकात नहीं है सोशल करते किसी प्रकार का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, बाबा साहब ने कहा था कि वो जहां आपका मान सम्मान है वो गांव छोड़ दो, गली छोड़ दो, मोहल्ला छोड़ दो, शहर छोड़ दो, वहां रहो जहां आपका मान सम्मान हो, मजदूरी करो महानगरों में जाकर करो, और वहां रहो जहां को आपको प्यार मोहब्बत मिले और मजदूरी के भी ताजा पैसा मिले। नहीं बिल्कुल, हम तो संविधान और कलम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान और कलम अगर उन्हीं के लोगों के हाथ में हो जो हमारा शोषण कर रहे हैं उसी की आड़ में, तो आप कैसे देखते हो? हम तो संविधान की दुहाई देते रहे, हम तो संविधान की बात करते रहे, हम तो कहते हैं हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो कहते रहे कि नहीं हम तो गैर संविधानिक भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरा आदमी संविधान को फाड़े, संविधान को जलाए, हमारी कान में पिस्टल लगे, हमारी बहन बेटी को घर में से उठा करके ले जाए, हमारी बहन बेटी के साथ में रेप हो। जितनी ये घटना मेरी समझ में आई और जो मैंने पढ़ी और वहाँ मुजफ्फरनगर में जो तमाम साथी थे उनसे जो बातचीत हुई है उसमें मालूम चला है कि जो वहाँ जाटव समाज के लोग थे, चमार कम्युनिटी के लोग थे, ये जो जिसका नाम आप बता रहे हैं जो पूर्व प्रधान है राजवीर त्यागी, और इसका जो बेटा है ये इसका बेटा बिट्टू त्यागी जो था, जो गैंगस्टर था, जो 2016-15 में मार जिसकी हत्या हो गई थी, जिसकी डेथ हो गई थी, तो अब बात या सवाल यह उठता है कि मामला आखिर यहाँ तक पहुँचा क्यों? मामला यहाँ तक इसलिए पहुँचा कि राजवीर त्यागी ने ये कहा कि मेरे खेत के में फसल में कुछ काम होना है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो इस बात से चिढ़ करके राजवीर त्यागी ने मुनादी करवाई, बाकायदा जो वीडियो वायरल हुआ है 25-30 सेकंड का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी चमार जाति का आदमी राजवीर त्यागी की डॉल पर, समाधि पर या उनकी ट्यूबवेल पर गया तो उसको 5,000 रुपये जुर्माना या 50 जूते लगाए जाएंगे। पहले तो आपको हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये जो राजवीर त्यागी नामक व्यक्ति है, जो मुजफ्फरनगर की घटना है, त्यागी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर ओबीसी समाज में आते हैं, ठीक है, बैकवर्ड में आते हैं, यानी शूद्र समाज के लोग हैं। अगर मैं कहूँगी SC ST OBC माइनॉरिटी, अगर उसमें भी मैं कहूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो शूद्र वर्ण के लोग हैं, 52% लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कभी मंडल कमीशन के सहारे जिनको आरक्षण मिला गया, ये वही लोग हैं जो कभी जाट कम्युनिटी के आधार पर रेल की पटरी उखाड़ देते, हरियाणा बंद कर देते कि हमें आरक्षण चाहिए, ये वही लोग हैं कभी कभी गुर्जर समाज के नाम पर जो है वो राजस्थान बंद कर देते कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें ओबीसी में शामिल किया जाए, ये वही लोग हैं तमाम SC ST OBC समाज के लोग जो इस प्रकार का शेड्यूल कास्ट के लोगों पर क्या नाम है शोषण कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं मोटा मोटी कि इनकी पूरे मुल्क भर में आबादी कितनी है। अगर मैं टोटल ब्राह्मण की बात कर लूँ, जिसे कहते हैं कि हम ब्राह्मणों से निकले हुए हैं, ब्राह्मणों ने हम त्यागी दिए तो हम त्यागी हो गए, तो अगर मैं उनकी बात कर लूँ तो टोटल विश्वभर में देश भर में जो आबादी वो मात्र पौने 3% ब्राह्मणों की आबादी, उनमें से इनको निकाल दिया तो 1% त्यागी पूरे मुल्क भर में, 1% आदमी, 1.5% जो त्यागी कम्युनिटी का आदमी है वो उस समाज का शोषण कर रहा है, जो समाज जो है टोटल जनसंख्या अगर बात करूँ या फिर चमार जाटव की बात करूँ देश भर में जो लगभग 13-14% है। तो अब जाटव चमार समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि तुम अब इतने कमजोर हो गए हो कि तुम्हारे लिए मुनादी की जाती है आज़ादी के 70 साल के बाद में देश की राजधानी से 20-30-50 किलोमीटर की दूरी पर, कि चमार जाति का आदमी कोई भी व्यक्ति अगर आपकी डॉल पर, उसके ट्यूबवेल पर, उसकी समाधि पर जाएगा तो उसको 50 जूते मारे जाएंगे। समाज को इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती, लानत की बात नहीं हो सकती। मैं किसी को भड़काने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको संवैधानिक अधिकार दिए, लेकिन मानवर साहब कांशीराम ये भी कहते थे जब राजनीति की बात करते थे कि हमको तैयारी तो बैलेट की करनी है, हमको काम तो बैलेट पर करना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। अब वर्तमान परिवेश में हम यहाँ जहाँ जी रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ वहाँ दलित समाज का शोषण ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप उत्तर प्रदेश का मामला हम बात कर रहे हैं,
दो महीने पहले आप देखिए कि बुलंदशहर के एक गांव में जो है वो एक सीआरपीएफ को गढ़ाना गांव में जवान को जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, पुलिस फोर्स लगाई नहीं पड़ी वहाँ पर। क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि जाति का राज है, ठाकुर मुख्यमंत्री है, ठाकुर क्या नाम है डीएम है, ठाकुर एसपी है, ठाकुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 या 5% ठाकुर है, आज वो पूरा ठाकुर अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहा है। जो पिछले 25-30 साल से आप देखेंगे और उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ बसपा की 4-4 बार सरकारें रही हैं, वहाँ पर कभी किसी ठाकुर समाज के आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का शोषण कर दे। लेकिन आज वो इसलिए शोषण कर रहा है क्योंकि सरकार में है, ताकत में है, तो इसलिए वो किसी को नहीं मतलब गठन रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को, मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि जिन गाँव में आपके पास जमीन नहीं है, जिन गांव में आपके पास रोजगार नहीं, वो गांव छोड़ दो। कहाँ हो रही है जाति खत्म, बताओ ना मुझे। जाति इस देश का सच है, उसको स्वीकार करिए ना। मैं तो कभी नहीं कहता जाति खत्म हो जाएगी। लोग कहते आप लोग, मैं तो उसने टिकट साहब से सवाल करा के टिकट साहब गाजियाबाद से, अरे मैं तो जाति को नहीं मानता। मैं साहब आप उस जाति से आते हैं कि जहाँ जाति की, अगर आपकी लड़की आपकी जाति की लड़की आपके गोत्र को छोड़कर दूसरे गोत्र में शादी कर दे तो हत्या कर देते हैं। जाति इस देश का सच है भाई, कौन नकार देगा उसको? प्रधानमंत्री जी ने कहा जी मैं तो पिछले समाज से आता हूँ, तो जाति है ना, तभी तो कहा ना उन्होंने, कहा ना राजनाथ सिंह को सबको बता ठाकुर समाज से आते हैं, सवर समाज से आते हैं, बताओ ना मुझे कहाँ है जाति है। मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, तमाम लोग जानते हैं, विश्व के देश के सबसे बड़े सूबे की 4-4 बार मुख्यमंत्री मायावती रही, लेकिन अखबार यही लिखता था कि दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी। तो जाति सच है, इसको आप नहीं नकार सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व रत्न है, देश का संविधान लिखा, आजाद भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज भी उनकी किताबों पर पीएचडी होती है, आज भी क्या नाम है जो उनके पुतला जलाने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मजबूरी में जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन फिर भी यही कहा जाता है कि दलित डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो कहां जाति, कौन जाति है, तो फिर अत्याचार तो हो गए ना, तो बिल्कुल होगा। तो हम तो कह रहे जाति को ताकत, जाति को जमात बनाओ ना। मानवर साहब काशीराम कहते थे जाति को जमात बनाओ। जिस दिन आप चमार भंगी को भंगी, खटीक को खटीक, पासी को पासी, धानक को, ओबीसी की जातियों में हमारी बहन बेटियां जाने और आने लगेंगी, जिस दिन ये जाति जमात बन जाएगी, जब जातियों को तोड़ करके अपने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का एक कुनबा बन जाएगा 85% बहुजन समाज का, तो 15% के जो समाज है जिसको हम दबम कह रहे हैं, जिसको हम सवरण कह रहे हैं, उसकी हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ उठा करके देख ले। अगर वो देख रहा है तो सिर्फ इसलिए देख रहा है क्योंकि आप बिखरे भी हो, आपका शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बिखरे हुए हो। लेकिन जाति तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। आज आप देखिए कि क्या नाम है, मरने के बाद मुर्दे को कितनी जगह भी मध्य प्रदेश राजस्थान में कहते हैं कि नहीं, दलित समाज का मुर्दा इसको हम अपने शमशान में नहीं फुकरे देंगे। गुना की घटना आप देख लीजिए, तो कितनी घटनाएं गजेंद्र जी जिनको हम जिक्र यहाँ कर सकते हैं। ये तमाम सच्चाई है, आप इसको स्वीकार कीजिए, हम इसको स्वीकार करें। हम पत्रकारिता जगत से आते हो, साहित्यकार जगत से हो, ब्यूरोक्रेट हो, राजनीति में हो, जहां मर्जी हो, हमारी सीआर खराब कर दी जाती है हमारे अफसरों की। दलित समाज का शेड्यूल कास्ट का कोई अफसर आ जाए, उसकी साले को रिटायरमेंट होने से उधर उसकी पार्टी हो रही है, तब उधर उसको न्यूमत हम आए थे गले पकड़ दे जवाब इसका। तो कहाँ नहीं हो रहा शोषण, बताइए मेरे। अगर जहाँ जहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन, अब मैं सर राजनीति हम कर रहे हैं, राजनीति चर्चा में हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, बताओ अगर उसमें लोकसभा में आरक्षण है तो 131 सांसद चुन करके जाते हैं, लोकसभा में राज्यसभा में हमारा आरक्षण नहीं तो हम कितने सांसद दलित समाज के नहीं है ना। तो ये जो लोग आरक्षण को गाली दे रहे हैं, जाति व्यवस्था को गाली दे रहे हैं, जाति के आधार पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, जाति के आधार पर सीआर खराब कर रहे हैं, जाति के आधार पर बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, ये वही मानसिकता के लोग हैं। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि जो चीफ जस्टिस है, जज है, न्यायपालिका में जो लोग बैठे, जो जज की भूमिका निभा रहे हैं, जो आदमी 24 घंटे में से 20 घंटे जाति के आधार पर जीता हो, 18 घंटे जाति के आधार पर जीता हो, वो 6 घंटे जज की कुर्सी पर बैठ करके क्या मान लो वो जातिवादी नहीं रहेगा? वो जातिवादी तब भी रहता, फैसले उस आधार पर देता है वो। तो ये सच है देश का।